गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपना तरीका बताने वाली हूँ दैट कैसे कम मसालों में एकदम सिंपल आप फटाफट जो है वो भिंडी की सब्जी बना सकते हैं। एक पैन में आप ले लेंगे लगभग एक टेबल स्पून ऑयल, मैंने ले लिया मस्टर्ड तेल, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको जला लेंगे ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाता है मैंने उसमें ऐड कर दिया था जीरा एंड जीरे के भुनते मैंने उसमें ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही साथ लंबी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो प्याज में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, इससे क्या होगा प्याज जो बिना जले अच्छे से भुन जाएगा लो फ्लेम पे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है हम प्याज को हल्का हल्का कच्चा ही रखेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। मसालों में मैंने एक और आधा टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, साथ ही साथ एक टीस्पून हल्दी पाउडर एंड हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया लाल मिर्च पाउडर। लो फ्लेम पे आप मसाले को पका लेंगे ताकि मसाले जो है वो कच्चे ना रह जाएं। एंड इसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई भिंडी। भिंडी को आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। भिंडी के साथ साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ प्याज, जिससे जो भिंडी है उसका टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो ऊपर से मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे आप इसको कवर करके जो है कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो पकने देंगे। हमारी कम मसालों में एकदम सिंपल भिंडी की सब्जी जो है मेरे स्टाइल में एकदम तैयार है। तो गाइस आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे से मेरी हर एक न्यू रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।